मैं हूं आपके साथ दिलीप और आज आपको लेके चल रहा हूं एक ऐसी जगह पर जो देश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। इस जगह की पवित्रता इतनी है कि यह जगह पूरी दुनिया में अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। वैसे तो ऐसी मान्यता है कि यह जगह भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ वाराणसी की। वाराणसी को काशी भी कहा जाता है और काशी का जब कभी जिक्र हो तो बाबा विश्वनाथ का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। वाराणसी में आज आपको लेके चल रहा हूँ मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में और आपको आज दर्शन कराएंगे बाबा विश्वनाथ का। मैं जिस विश्वनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपको बता दें कि भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसी के कैंपस में है बाबा विश्वनाथ का मंदिर। वैसे इसे न्यू विश्वनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। बनारस में दो विश्वनाथ टेम्पल है, एक पुराना और ये जो है बीएचयू कैंपस में स्थित है, इसे न्यू विश्वनाथ टेम्पल के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का शिखर विश्व में सबसे ऊंचा है और सावन के समय या ऐसे भी आम समयों में यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। आपको बताऊंगा कि आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं और कौन कौन से नियर रूट हैं जिसके तरह से जहाँ से आप यहाँ पहुँच सकते हैं और इस मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी हम आपको कराएंगे, उस शिवलिंग के जिसके लिए श्रद्धालु वहाँ पर भीड़ लगाए रहते हैं। और इस मंदिर की खूबसूरती और कलाकृति इतनी बेहतरीन है कि आपका मन बिल्कुल मोह लेगा। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बीएचयू गेट के पास, आप जैसा कि देख रहे हैं, और यहीं से हम करेंगे एंट्री। और अगर आप बाईपास की तरफ से आ रहे हैं तो एक और गेट भी है एंट्री करने के लिए, जो छित्तूपुर गेट के नाम से जाना जाता है, वो भी मैं अभी आपको लास्ट में दिखा दूंगा। अभी हम जो एंट्री करेंगे इसी गेट से अभी हम विश्वनाथ मंदिर की तरफ एंट्री करेंगे जो इस कैंपस में है। थोड़ा सा मैं इस कैंपस के बारे में बता देता हूँ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है कि नेता, राष्ट्रवादी नेता जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1916 ईस्वी में। इसका जो मेन कैंपस है इस बीएचयू का, 1300 एकड़ क्षेत्र में फैला है और यह बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है भारत में। वैसे तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के बहुत सारे उद्देश्य थे, जिसमें सांस्कृतिक, साहित्य, कला, विज्ञान और रिसर्च को बढ़ावा देना था। और आपको बता दें कि चिकित्सा विज्ञान संस्थान के लिए भी यह बीएचयू पूरे भारत में जाना जाता है। यहाँ पूरे भारत से लोग अपने इलाज और चिकित्सा के लिए यहाँ आते हैं और बीएचयू परिसर में ही स्थित है वो चिकित्सालय और उसका नाम है सर सुंदरलाल चिकित्सालय। और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी और यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से भी जुड़ा हुआ है। इसका नाम बीएचयू के जो पहले कुलपति थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो आप मेरे बाजू में देख सकते हैं, यही है सर सुंदरलाल चिकित्सालय जो बीएचयू कैंपस के अंदर है। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ अब, और अब हम थोड़ी ही देर में अब विश्वनाथ मंदिर पहुंचने वाले हैं। अब लगभग हम करीब ही आ चुके हैं क्योंकि बीएचयू से बहुत स्लो में मैं करके आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अब पहुंचने वाले हैं। और ये लीजिए, तो हम पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हम विश्वनाथ मंदिर पहुँच चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं, और यह मंदिर जो है यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, जो ऐसा कहा जाता है कि यह हूबहू पुराने विश्वनाथ मंदिर की कॉपी है। और इसमें काफ़ी सारे फ्लोर हैं मंदिर में, जो पहला फ्लोर है वो भगवान शिव को समर्पित है। थोड़ा सा मैं इस मंदिर के बारे में आपको बता देता हूं, इसके बाद यहां आने का रास्ते के बारे में आपको बता दूंगा। यह जो मंदिर है वो स्पेशली नर्मदेश्वर बाण लिंग के रूप में यहां भगवान शिव विराजते हैं, बाबा विश्वनाथ। और यह मंदिर दिल्ली के जो ऐतिहासिक कुतुब मीनार है उससे भी 13 फीट ऊँचा है। आप मंदिर की ऊँचाई देख सकते हैं, इसकी गगनचुंबी जो ऊपर में जो इस मंदिर का शिखर है वो 252 फीट है। और इसकी भी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी और इसका प्रस्ताव मदन मोहन मालवीय ने 1927 में भेजा था, पर किसी कारणवश इसका जो शिलान्यास कार्य है वो 11 मार्च 1931 को इसका शिलान्यास आरंभ हुआ और मदन मोहन मालवीय ने ही इसकी स्थापना की थी। और मदन मोहन मालवीय की तस्वीर आप ठीक मंदिर के सामने, आपने देखा कि मंदिर के सामने ठीक मदन मोहन मालवीय की तस्वीर है। और आप ये नज़दीक से देख लीजिए इसकी गगनचुंबी शिखर, इस मंदिर की जो सबसे खूबसूरत है। मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान शिव के आपको दर्शन भी कराएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि मंदिर निर्माण के लिए ऐसा कहा जाता है कि यह जुगल किशोर बिड़ला जो है वो महामना मदन मोहन मालवीय से वादा किया था इस मंदिर को बनाने के लिए। और ऐसा बताया जाता है कि 1954 तक
शिखर को छोड़ करके, मंदिर के शिखर को छोड़ करके इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया था। 17 फरवरी 1958 को महाशिवरात्रि के दिन बाणलिंग जो शिव की प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर की गई और बाणलिंग को प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान विश्वनाथ की स्थापना मंदिर में हो गई और भारत कला भवन में इस मंदिर का ब्लूप्रिंट सुरक्षित है। और देखिए यहाँ कितना भीड़ है बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, चूँकि सावन का महीना भी चल रहा है इस वजह से यहाँ भीड़ बहुत काफ़ी है। पर मैं सबसे पहले आपको दर्शन करा देता हूँ भोले बाबा के, और बिल्कुल आप हाथ जोड़ के तैयार हो जाइए। और पहले मैं आपको घर बैठे बिल्कुल दर्शन करा दे रहा हूँ बाबा विश्वनाथ के। और ये आप जो जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, और ये आप बिल्कुल हाथ जोड़ के हो जाइए तैयार और पहले कर लीजिए आप दर्शन। इसके बाद इस मंदिर के मैं और भी जो इसकी खूबसूरती और कलाकृतियाँ उसके बारे में बात करता हूँ। ये हैं जो नर्मदेश्वर बाणलिंग, जिस शिव की मैंने बात की कि नर्मदेश्वर बाणलिंग के रूप में यहाँ बाबा विश्वनाथ विराजते हैं, और ये है बाबा का शिवलिंग। तो आप पहले इसके दर्शन कर लीजिए और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इस जो ये परिसर है बाबा विश्वनाथ के मंदिर का, इस परिसर के दोनों तरफ खूबसूरत पार्क बने हुए हैं। और वैसे तो खाली समय में यहाँ लोकल लोग यहाँ टहलने के लिए भी इस पार्क में आते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत है, मंदिर के पीछे भी पार्क है, मंदिर के लेफ्ट साइड में भी पार्क है और राइट साइड में भी पार्क है, और बहुत ही खूबसूरत इसको जो है कि सजाया गया है। यहाँ बैठने से लेकर के हर चीज़ की यहाँ पर बेहतरीन सुविधा उपलब्ध है। पूरा मंदिर जो है कि एक संगमरमर से बना हुआ है और संगमरमर के पत्थरों पर बड़ी सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर उकेरी गई है। और इस मंदिर की जो अनूठी विशेषता यही है कि यह सफ़ेद संगमरमर से जो इसका शिखर जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, मंदिर का जो शिखर मैंने आपको अभी दिखाया जो ये है, उस यह मंदिर की सबसे बड़ी वो है। तो बाबा विश्वनाथ के आपने दर्शन किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद आपको पता ही है क्या होता है, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद आप दर्शन करते हैं नंदी की। तो ये देखिए नंदी के दर्शन के लिए भी यहाँ बड़ी भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है, मैंने बहुत से जगहों पर देखा है कि जो नंदी हैं उनके कान में अगर आप जो है कि कुछ कहते हैं तो ऐसा है कि वो आपका संदेश भगवान शिव तक पहुँचा देते हैं। देखिए लोग कान में अपना संदेश पहुँचा रहे हैं। तो ये और ये देखिए जो आपने नंदी की तस्वीर देखी उसके बगल से ही ये पार्क पूरे अवेलेबल है। ठीक है, मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ये जो मंदिर है, जो मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है वो टोटली भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित है। और मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे और ये पहले आप दर्शन कर लीजिए नटराज महाराज का, ये जो है क्या था। मैं थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि भीड़ मंदिर में बहुत काफ़ी है और कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से बच भी रहा हूँ मैं। तो ये जो आपने देखा भगवान नटराज के बाद अब चलते हैं, ये आ गए हम बजरंग बली, ये हैं भगवान शिव, सॉरी ये भगवान शिव हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। ये भगवान शिव की ही प्रतिमा है जो मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे विराजमान है। और इसके बाद हम आ गए हैं अब ये पंचमुख महादेव के पास, और ये पंचमुख महादेव के आपने दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद हम चलते हैं अब बजरंग बली के पास जो मंदिर के ही फर्स्ट फ्लोर पे है, और ये बजरंग बली के आप दर्शन कर लीजिए। और ये फर्स्ट फ्लोर पे है और फर्स्ट फ्लोर पे बड़ी सुंदर सुविधा भी है, अगर आप बैठना चाहें बढ़िया अच्छा स्पेस है, आप ऊपर बैठ सकते हैं, वहाँ भजन कीर्तन भी होता है। अभी तो कोविड के वजह से वहाँ उतनी भीड़ नहीं हो पा रही है, पर पहले वहाँ भजन कीर्तन भी फर्स्ट फ्लोर पर होता रहता है। और देखिए बाहर में आप ये मंदिर के बाहरी हिस्से को अगर आप देखें तो ये बाहर में जो पार्क, देखिए यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पुलिस भी सुरक्षा में यहाँ तैनात है ताकि जो है कि यहाँ गैदरिंग ना हो, क्योंकि अभी सावन का समय चल रहा है और महादेव का सीजन है, तो भीड़ यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा है। मैंने मेन भीड़ अभी आपको नहीं दिखाई जो मंदिर के बाहर के कैंपस से बिल्कुल लगी हुई थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ये आपने आप ये कैंप ये देखिए मंदिर के बाहरी कैंप, ये हैं जो वाल्मीकि जी की ये मूर्ति है जो मंदिर के बाहर में ही बनी हुई है पार्क के पास में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत ये पार्क का नज़ारा है, और यहाँ देखिए मंदिर के बाहर में लोग काफ़ी सारे बैठे भी हुए हैं। और अब आइए आपसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आप यहाँ पहुँचे कैसे। आप पार्क भी देखते रहिए और मैं आपको यहाँ आने का पहले आपको रास्ता बता देता हूँ कि आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे।
तो भैया अगर आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं एयरपोर्ट से उड़ते हुए, तो आप लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उतरेंगे जो बाबतपुर एयरपोर्ट भी है, वहाँ से आप डायरेक्ट कैब बस से BHU के गेट पर उतर सकते हैं और वहाँ से रिक्शा की सुविधा है, वहाँ से आप आ सकते हैं। या BHU गेट से आप चलें तो पैदल भी आप आ सकते हैं, और वहाँ से आपको बाबतपुर एयरपोर्ट से इसकी डिस्टेंस मंदिर तक की लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप वाराणसी कैंट स्टेशन पर उतरना है आपको, जो मेन स्टेशन है BHU बनारस का जो मेन स्टेशन है, वहाँ से आपको BHU के लिए आपको बाई बस, गवर्नमेंट बस या ऑटो मिल जाएगी, जिससे आप ऑटो के सहारे आप यहाँ BHU गेट के पास आ सकते हैं, BHU गेट से पैदल, या फिर वहाँ से रिक्शे की सुविधा भी अवेलेबल है। और यह वाराणसी कैंट स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में, इसका डिस्टेंस जो है कि 10 किलोमीटर के आसपास में पड़ेगा। और अब इस मंदिर का आपने पार्क देखा दोनों तरफ से किस तरह, देखिए कैसे श्रद्धालुओं की यहाँ कितनी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। मंदिर की मैंने आपको स्थापना बता दी और मंदिर की गगनचुंबी आपने इमारत देख ली, कितनी खूबसूरती है इस मंदिर की। और आप यहाँ बिल्कुल प्लान करके आ सकते हैं, अभी तो शिवरात्रि के समय अभी तो सावन के समय में या शिवरात्रि था तो अभी काफ़ी यहाँ पर भीड़ अवेलेबल था। और अब हम इस मंदिर से बाहर निकल रहे हैं दर्शन करने के बाद, और आपको अब दिखाते हैं छित्तूपुर गेट। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं इसी गेट की बात कर रहा था, ये दूसरा गेट है जहां से आप एंट्री कर सकते हैं। ये छित्तूपुर गेट है जो हमारे ठीक सामने आप देख रहे हैं, ये छित्तूपुर गेट है, यहां से भी आप इस कैंपस में एंट्री कर सकते हैं। तो आज आपने देखा किस तरह से हमने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। और अगर आप चाहते हैं कि बनारस के और भी अगर आप जगहों के ब्लॉग्स चाहते हैं तो आप अवश्य हमें कमेंट करिए कौन सी जगह की आपको ब्लॉग चाहिए, हम ज़रूर बनाएंगे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।